अभी हम लोग कर्णप्रयाग में हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों को 103 किलोमीटर अभी सोनप्रयाग के लिए जाना है। 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग कितने टाइम तक पहुँचते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी यहाँ से। बंद कर लो नेट, नहीं तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, आप देख सकते हो इधर से एक, पता ना है। देखो आप, ये है आपका कर्णप्रयाग। आपको दिख रहा होगा यहाँ से दो नदियों का संगम हो रहा है। आप गूगल कर सकते हो, मुझे तो नदियों का नाम पता नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक इधर से आ रही है और एक आप इधर से आ रही है, देख सकते हो बिल्कुल जो कलर चेंज है बिल्कुल। उधर शायद ना जाना है, बद्रीनाथ के लिए है उधर से रास्ता शायद। तो ये बद्रीनाथ वाला शायद हाईवे है, यहाँ से बहुत अलग अलग आप देख सकते हो कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रुके हैं। खतरनाक है, ढाल देखो। रुद्रप्रयाग 21 किलोमीटर, 31 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग ना है, हरिद्वार निकली हो जाए। दृश्य बम बम बोले, बम बम बोले। अरे इधर रास्ता सही है। रुद्रप्रयाग में फिर संगम हुई है शायद, दो ही ना दिन गिरा। हाँ बरसात, बहुत खतरनाक। वाटरफॉल देखो भाई साहब, तो गजब, बेहतरीन बेहतरीन यार, गजब, बेहतरीन रास्ते, बेहतरीन पहाड़, झरने, खूबसूरती, झरने, एक और वाटरफॉल, बेहतरीन। कोई अच्छा सा हुई है बड़ा वहां खींचा दिए। ये खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल यार, झरने ही झरने, वाटरफॉल।
अल्मोड़ा, अल्मोड़ा तो यहाँ 20-25 किलोमीटर बता रहा है, लिखा रहा है वो यार। पहले जब ट्रेनिंग हुई रही तब कहाँ रहा है अल्मोड़ा, अब आसाम महंगा। अरे सर ट्रेनिंग वाले जो है आर्मी का हम बड़ा बहुत मस्त बने हैं, हम अलग ट्रेनिंग वेनिंग के लिए नहीं भेजे थे। हम लोग रुद्रप्रयाग अभी पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ये रुद्रप्रयाग है। पेट्रोल पंप वगैरह है यहाँ पे, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग की मार्केट है ये, यहाँ से रास्ता नीचे रुद्रप्रयाग को जाता है, हम लोगों को ऊपर चलना है। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ इधर है, केदारनाथ नीचे ना, हाँ वो नीचे लिखा केदारनाथ केदारनाथ 92 किलोमीटर गुप्त काशी आगे बढ़ी है। केदारनाथ इधर लिखा है, देखते हो ज्यादा दिन खराब हैं तो सही हो। रुद्रप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। रुद्रप्रयाग जी का प्राचीन मंदिर टनल, रास्ता बनाया, हाँ काट के टनल बनाई हुई है। दुकान मजा आ जाए, आटा 54 किलोमीटर, गुप्त काशी 38 किलोमीटर, केदारनाथ 90 किलोमीटर। ऋषिकेश हरिद्वार इधर है, केदारनाथ सीधे, हाँ सीधे यही रास्ता है। हम लोग इधर से उतन, यहाँ हाईवे है, रास्ता बनाए रहेगा पहाड़ काट रही है, जो क्रेन चढ़ा लीजिए, क्रेन धीरे 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 काट रही है। हाँ यो यहाँ देखो कितना खतरे वाली ये रोड, ये पहाड़ कभी भी गिर सकते हैं। चट्टान देखो कि खतरनाक है, सब व्यवस्था
यार दोस्तों, अभी हम लोग तिलवाड़ा में हैं। यहाँ पे तिलवाड़ा में हमारी गाड़ी कुछ थोड़ा बहुत ख़राब हो चुकी है, जो चैन वगैरह टाइट करवा रहे हैं उसमें, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी जल्दी से, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा जी नीचे बह रही हैं बहुत तेज़ी से, वेग के साथ में। ये तिलवाड़ा जगह है, सोनप्रयाग से पहले पड़ती है यहाँ पे। तो ठीक ठाक है, अभी तक का रूट सही रहा है बिल्कुल हम लोगों का। आगे सारी चीज़ें बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वाले एरिया हैं, पहाड़ जो हैं यहाँ के काफ़ी ज़्यादा खिसकने वाले हैं, अपने आप ही पत्थर वहाँ से गिरा करते हैं ऊपर से, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है। और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू ख़तरनाक है, इतनी चैन टाइट हो चुकी है। ये बाइक का सामान होने वाला, मोबिल चेक करा लो, मोबिल सही है, देखो सेंटर एंटर। कौन चीज चेक करा लिया जाए? ना इधर चेक करा लो, अभय अभय वो अभय बदला दिया जी, कहा है डिग्गी बोल्ट बहुत जरूरी है यार। धीरे धीरे सारी चीजें करवा हुए यार, तुम टेंशन ना ले, अब हिम्मत बढ़ी है, अब रुकना नहीं है। रोड तक काशी 22 किलोमीटर, कुंड रास्ते में आएगा, ऊपर चलना है। अरे बदला लिया रन बहुत सही कर रहा हूँ, अब फिर चढ़ाई बन गई। रात के इधर बिल्कुल चले गया मैं, देखो यह गंगा मैया विकराल रूप रही, देखी गोमुख से निकली है जरा सी, लेकिन फिर वह कौन कौन सी नदी मिल जाती है उनमें, वो गिर रहे हैं तो एक आदमी खड़ा कर दिए, मलबा डाल रहे हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं।
चलो। तब पानी में पानी बरसात में गिर रहा है। केदारनाथ भाई 54 इनको केदारनाथ जाना रहा है और उधर चले गए। हाँ पाटा 21 किलोमीटर दूर तक आते हैं। पाटा में अलग जगह चले और जो दिख रहा है इधर वो पाटा है। पहाड़ी बढ़िया लेक बनाए हैं लेक साइड। हाँ रोके हैं पानी। हाँ ना रोके ना चला जी उधर आगे पूरे बांध बनाए था बांध बनाए तनों तनों खोलते हैं। बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले अंदर गाड़ी होती तो ऐसे चिल्ला चलते जहाँ जाम सप्लाई चली हम बहुत चूतक पैदे हुई पानी चूरा हम सोई भाई तो करवा चले नेटवर्क मिल जाए तो अपलोड कर दो बा किधर चलना इधर आना इधर से रास्ता है पता नहीं बहुत तगड़ी धूप है यार। इससे पूछा हूँ इससे पूछा इससे पूछा का तो
अरे हम टोपा खुदा ही बन गए।